हनीप्रीत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की हुई है, जिसने हरियाणा पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुलिस अब भी हनीप्रीत की तलाश में है, लेकिन हनीप्रीत मिल नहीं रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल हनीप्रीत को जानबूझकर वक्त दे रही है। देखिए, आमतौर पे जब हमारे पास किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बात आई है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस किसी चीज की ली हुई है, तो जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम थोड़ा सा समय जरूर छोड़ते हैं ताकि कल को कोई बात इस इशू के ऊपर डिबेट स्टार्ट ना हो जाए। पंचकुला के पुलिस कमिश्नर AS चावला ने बताया कि हनीप्रीत के साथ दो के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है। हमारे पास अरेस्ट वारंट तीनों मुख्य आरोपी जो हैं, जिनका शुरू से नाम चला आ रहा है, हनीप्रीत, आदित्य इंसान और पवन इंसान। बता दें कि हरियाणा पुलिस को जैसे ही पता चला कि हनीप्रीत दिल्ली में है तो उसने छापेमारी और तेज कर दी है। हाल ही में हनीप्रीत के दिल्ली में होने की खबर के बाद हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कराया। दिल्ली में छापा मारने के बाद हनी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।